एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ये है मनारा चोपड़ा। मनारा चोपड़ा की जर्नी आपको कैसी लगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मनारा की जर्नी बहुत अच्छी लगी। उस जर्नी में ना एंटरटेनमेंट था, ग्लैमर था, एक लग रहा था कि वो जो फैशन मूवी में होता है ना, कि फैशन मूवी में दिखाते कि एक हीरोइन आती है और उसके बाद ग्लैमर होता है, एंटरटेनमेंट का तड़का होता है, नखरे होते हैं, अदाएं होती है, लड़ना झगड़ना होता है, रूठना मनाना होता है, इमोशंस होते हैं, वो सब हमें मनारा चोपड़ा की जर्नी में दिखे। मुझे एक चीज मनारा चोपड़ा की जर्नी में जो बहुत ज्यादा एविडेंट दिखी, वो मनारा जो है ना मोमेंट्स। अब ये मनारा फैंस जो है ना, उनके लिए ट्रीट था, जो मनारा मोमेंट्स को देखना चाहते थे, जो बेचारे रोज जो है ना वो रिक्वेस्ट कर रहे होते थे कि प्लीज कुछ तो दिखा दो, प्लीज कुछ तो दिखा दो, तो उनके लिए जो है ये ट्रीट था मनारा जो है मोमेंट्स, जिसमें हमने देखा कि मुनव्वर के साथ मनारा का एक क्लोज आ जाना, उसके बाद लोगों को इस बात पे ऑब्जेक्शन होना, फिर लोगों का उनके रिश्ते के बीच में जो है वो मैनिपुलेशन करना, उन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट करना, वो सब हमें जो है ना इस जर्नी में दिखा। बट एक बात यार जो इस जर्नी में बहुत एविडेंट दिखी, वो था मनारा का रॉ साइड, रॉ रियल, जो थी रियल थी, रॉ थी। जो मुनव्वर के साथ उसकी दोस्ती थी, उसको भी रियलाइज हुआ होगा कि मुनव्वर भी उसके साथ था, वो भी मुनव्वर के साथ थी, हर मुश्किल में मुनव्वर के साथ वो खड़ी थी, मुनव्वर भी उसके साथ खड़ा था। तो मुझे मनारा चोपड़ा की जो जर्नी है ना, वो एक हीरोइन जैसी जर्नी लगी, कि ड्रामा, इमोशन और इसके साथ साथ जो है ना वो कॉमेडी, फनी साइड, जिसका सारेंगे हो करना, वो सब जो है ना हमें मनारा चोपड़ा की जर्नी में लगा। एंड आई ट्रूली बिलीव कि ये लड़की जो है ना टॉप थ्री डिजर्व करती है। मुझे नहीं लगता कि अंकिता लोखंडे जो है ना नंबर थ्री डिजर्व करती है। आई ट्रूली बिलीव कि ये लड़की जो है ना टॉप थ्री डिजर्व करती है, इसको होना चाहिए टॉप थ्री में। आई ऑनेस्टली यू नो लाइक नाउ बिलीव नाउ कि मनारा जब बाहर जाएगी तो उसको जरूर काम मिलेगा। दिस गर्ल हैज प्रूव्ड के एंटरटेनमेंट का ये बॉम्ब है मनारा चोपड़ा। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट।